नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 5 के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ पायल दुद्रेजिया। ओके, तो इसकी अगली वीडियो में हमने क्या देखा था? इसकी अगली वीडियो में हमने 1 से 20 तक की गिनती का अध्ययन कर लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे 21 से 50 तक की गिनती। ठीक है, इसको समझिए, बोलिए और लिखिए। तो जैसा हमने 1 से 20 तक की गिनती में किया था अंक में और शब्द में, वैसे ही हम ये वाली गिनती 21 से 50 की गिनती भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2 1 21। ठीक है, फिर 2 2 22। इसमें भी ये जो ई है वो छोटा और बड़ा, दो ई होता है। ठीक है, तो 22 में हम बड़ा वाला ई है उसका यूज करते हैं। फिर 23, 2 3 23, इसमें भी हम बड़ा ई है जो उसका ही हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ऊ, मैंने इसकी अगली वीडियो में बताया था ना कि ऊ है वो भी छोटे और बड़े दो प्रकार के है, तो उसी तरह ई भी है, एक छोटी ई और दूसरी बड़ी। ठीक है, तो 22 23 में हम ये जो बड़ी वाली ई है उसका ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 24, 2 4 24। फिर उसके बाद है 25। ठीक है, आपको अच्छी तरह से उच्चारण भी गुजराती और हिंदी दोनों का मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, 25 हम कैसे लिखेंगे? 2 5 25। ठीक है, सबसे पहले 21 22 23 24 और 25। फिर 25 के बाद क्या आता है? 26, 2 6 26। 26 के बाद 27, 2 7 27। फिर 2 8 28। ठीक है, ये वाली जो आप लाइन पढ़ रहे हो उसमें याद रखना है ई है वो बड़ा वाला ही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर 2 9 29। ठीक है, फिर 3 0 30। फिर 3 1 31। 31। ठीक है, और ये वाले ई में हम छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे। फिर 3 2 32। ठीक है, 3 1 31 और 3 2 32। फिर 3 3 33, 3 3 33। फिर 3 4 34। ठीक है, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं वैसे ही हिंदी में भी गिनती उसी प्रकार से बोली जाती है, लेकिन हिंदी में सिर्फ क्या तफावत है कि उसका जो उच्चारण भेद है वो गुजराती और हिंदी में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, फिर 3 5 35। ओके, सबसे पहले 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34 और 3 5 35। ठीक है, याद रह गया सबको? चलो फिर उसके बाद है 36। 36 कैसे लिखते हैं? 3 6 36, 36। ठीक है, फिर उसके बाद है 3 7 37। 37 कैसे लिखते हैं?
तीन सात फिर शब्द में शे ती स। ठीक है, जैसे गुजराती में हम एक से श्रो तक लिखते हैं वैसे ही हिंदी की गिनती भी लिखनी है। ठीक है, लेकिन जो उच्चारण है उसका हमें खास ख्याल रखना है। फिर 38, 38 कैसे लिखते हैं, तीन आठ अड़तीस। ओके, फिर 39, 39 तीन नौ उनतालीस। ओके, फिर 40, चार शून्य चालीस। फिर 4, 1, 41, 41। ठीक है, फिर 4, 2, 42, 42। ठीक है, फिर उसके बाद है 4, 3, 43, 4, 3, 43। ओके, फिर 4, 4, 44। फिर 44 के बाद क्या आता है, 45, 4, 5, 45। ओके, फिर उसके बाद 4, 6, 46, 46। ओके, फिर उसके बाद 47, 4, 7, 47। ओके, और उसके बाद 47 के बाद क्या आता है, 48, 4, 8, 48। ओके, 4, 8, 48। फिर उसके बाद है 4, 9, 49। ओके, और सबसे लास्ट में है 50, 50 कैसे लिखते हैं, 5, 0, 50। ओके, तो यहाँ पे हमारी 21 से 50 तक की गिनती है वो पूरी होती है। ठीक है, तो हम उसको पहले से देखते हैं वापस। 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, फिर 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, और 3, 4, 34, और 3, 5, 35। चलो, फिर 35 के बाद क्या आता है, 36, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40, 4, 1, 41, फिर 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47। फिर 47 के बाद क्या आता है, 48, 4, 8, 48, 4, 9, 49, और 5, 0, 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 21 से 50 तक की गिनती का अध्ययन किया। और आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि हमें जैसे गुजराती में उच्चारण करते हैं वैसे हिंदी में नहीं करना, हिंदी का उच्चारण भेद है वो गुजराती से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आई होप कि अब सबको 1 से 50 तक की गिनती का अभ्यास हो चुका होगा। इसकी अगली वीडियो में हमने 1 से 20 तक की गिनती का अध्ययन किया था। ओके, तो आप लोगों को होमवर्क में करना है 21 से 50 तक की गिनती के पाठ्य पुस्तक में दी गए है पेज नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी आप लिखोगे और फिर प्रैक्टिस के लिए आप लोग नोटबुक में भी इसको दोहराएंगे। ओके, तो फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम गिनती के अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।